नमस्कार एंड स्वागत है सभी फिंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों वापस से स्टार्ट करते हैं ओडीआई सीरीज़, मतलब कि तीन सीरीज अपन कवर करेंगे। पहली सीरीज रहेगी अपन इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड, फिर दूसरी रहेगी अपने आपकी बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, और थर्ड जो कि सबसे बेस्ट होगी वो आपकी होगी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे तीन ओडी खेलेगी और पांच टी ट्वेंटी खेले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी आने वाले समय में पूरा ओडी पे फोकस करेंगे। टी ट्वेंटी पे तो फोकस करते ही अपन, लेकिन ओडी फॉर्मेट में किस बेसिस पे आपको टीम बनानी चाहिए, कैप्टनशिप अपन को बल्लेबाजी की तरफ से आप पिक जरूर कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट होता है, इसके अंदर बल्लेबाज को ज़्यादा समय मिलता है, तो कैप्टन बनने का दावेदार भी बन सकता है दोस्तों। ठीक है, और आज हम बात करेंगे, देखो आयरलैंड के तो सभी प्लेयर को आप जानते होंगे, लेकिन जो इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं ना, नए बॉलर्स, उनको कम ही जानते हैं। सिर्फ लूक वुड को जानते हो, क्रेग वॉर्टन को जानते हो, और आप एक विल जेक्स को जानते हो, और कोई से जो जितने भी पेसर खेलेंगे, जेस क्रिम्सो है, बीकर से है, मैथ्यू पोट्स है, टॉम हार्टले, बहुत शानदार बॉलर है दोस्तों, सबकी बात करूँगा। ठीक है, वो देखो अभी वो इंटरनेशनल मैच तो अभी रिप्रेजेंट अभी तक उन्होंने किया नहीं है, ओनली फॉर डोमेस्टिक मैच खेल चुके हैं, तो डोमेस्टिक में भी इतना उनका डाटा नहीं मिला है, मतलब बैटिंग सेकेंड बैटिंग फर्स्ट का। तो इस वीडियो के अंदर है ना, मेरे को आपको ना केजुअली बता दूंगा कि इंग्लैंड की टीम से कौन से प्लेयर को आपको पिक करना है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको सिंगल कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा, और उस पर आपको फोकस करना है, और आने वाले समय में इंग्लैंड के किसी प्लेयर को फोकस करना है, वो चीज़ भी आपको मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू रिपोर्ट। तो हेडिंगले लीड्स के अंदर मैच होने वाला है, जो कि एक न्यूट्रल पिच माना जाता है, जहाँ पे थोड़ी स्लाइटली बात करें ना तो बल्लेबाज गेम को इन्जॉय करते हैं, इन कंपेयर टू बॉलर्स की बात करें, मतलब कि ऐसा ऑलराउंडर आपको मिल जाए जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करता है और कम से कम पाँच ओवर करता है दोस्तों, तो वो आपके लिए एकदम शानदार कैप्टनशिप भी बनेगा। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम कोई भी ऐसा नहीं है, विल जेक्स को छोड़ दो, हो सकता है विल जेक्स को ओपन भी करा दे टीम, है ना, या फिर रूट ओपन कर लिया, फिर जो तो उनके पास में देखो फ्लिप साल्ट है और विल जेक्स है बेस्ट ओपनिंग प्लेयर, तो वो हो सकता है दोस्तों। ठीक है, हैरी ब्रुक अवेलेबल है नहीं, अन्यथा वो ओपन कर लेते, और तो बचे क्रोली है, तो क्रोली और फ्लिप साल्ट कर सकते हैं या फिर क्रोली और विल जेक्स कर सकते हैं। 90% चांस कह रहे हैं क्रोली, जेट क्रोली और आपकी फ्लिप साल्ट ओपनिंग करेंगे, और विल जेक्स को वन डाउन या फिर लोअर ऑर्डर, मतलब फाइव डाउन या जहाँ पे लिविंगस्टन बैटिंग करते थे वहाँ पे उनको प्ले करेंगे दोस्तों। ठीक है, और विकेट स्प्रेड की बात करें, यहाँ पे देखो 65% है, 35% है, मतलब कि यहाँ पे स्पिनर को फेवर करता है पिच, ऐसा नहीं है कि स्पिनर को ड्रॉप करना है। तो यदि आप छः बॉलर पिक कर रहे हो, मतलब कि मान के चलो छः बॉलर पिक कर रहे हो, पाँच बॉलर पिक कर रहे हो, तो पाँच बॉलर पिक कर रहे हो तो पाँच में से तीन पेसर रखो, दो स्पिनर को रखो, ऐसे टीम बनाओगे ना रोटेशन के साथ में, तो आपकी टीम बन जाएगी। ऐसी गलती नहीं करनी है आप सारे पेसर ही पिक कर रहे हो, मतलब कि इस भी आपसे 65-35% का रेशियो लेके चलो तो आपकी टीम बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहा है 440 पॉइंट यहाँ पे बल्लेबाजी को मिलता है, बल्लेबाजी यहाँ पे ऑलराउंडर भी कलेक्टेड है, और बॉलिंग साइड से बात करें तो यहाँ पे ओनली 290 मिल रहा है। तो कहने का मतलब है न्यूट्रल पिच तो नहीं दिख रहा है भाई, फैंटेसी पॉइंट के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि यहाँ पे बैट्समैन गेम डोमिनेट करेंगे और बैट्समैन ही यहाँ पे कैप्टन बनने वाले हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 ODI मैच जो कि इस वेन्यू पे हुए थे। और अब देखो इंटरनेशनल मैच की बात करें ना, तो इस वेन्यू पे 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, आपको पता है इंग्लैंड के अंदर ही हुआ था ओडी का, जहाँ पे इंग्लैंड जीती भी थी दोस्तों, है ना, तो वहाँ पे वो इंग्लैंड के मैचेस होते हैं इस, मतलब इस वेन्यू के ऊपर वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं, और उसके बाद में कोई भी इंटरनेशनल मैच इस वेन्यू पे नहीं हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो उसके भी आपसे मैंने आपको बताया है। उससे पहले चलते हैं अपन टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, कृपया करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, मतलब कि मिनी कॉन्टेस्ट भी खेल लिया करो, जहाँ पे आपके पास अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाए। अब देखो अभी 2-3 दिन मतलब कि मैचेस नहीं थे, कोई इंटरनेशनल मैच थे 2-3 डेज की बात करें तो, मतलब 17 सितंबर से बात करें तो, लेकिन अब वापस मैच स्टार्ट हो चुके हैं तो अब कंटिन्यू रहेंगे। आपको पता है अभी सीरीज कलेक्ट कर रहे हैं, सीरीज के बाद में आपको पता है कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, वर्ल्ड कप के जस्ट बाद में आपको बिग बैश लीग आ जाएगी दोस्तों, और जनवरी में बिग बैश लीग एंड होगी तो आपकी आपकी पाकिस्तान सुपर लीग आ जाएगी, है ना, और उसके बीच में साउथ अफ्रीका की लीग आएगी, यूएई की लीग आएगी, तो कहने का मतलब है क्रिकेट का मौसम चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो कृपया करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और आने वाले समय में भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर शानदार शानदार अपडेट मिलेंगे, और अभी अब अपडेट पे काम करें जिसके अंदर आप डायरेक्ट टीम शेयर कर सकते हो, मतलब खुद से टीम बना के वो डायरेक्ट टीम आपके ड्रीम इलेवन अकाउंट में अपडेट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आने वाले इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जितना हम प्रयास करें उतना जल्दी आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब बैठे हैं पिच रिपोर्ट की बात कर लिए, अब मैं यहाँ पे बात करते हैं हाई सिलेक्शन और लो सिलेक्शन की। ठीक है, तो आपके सामने ये जो 11 प्लेयर मैं आपको शो कर रहा हूँ टोटली हाई सिलेक्शन प्लेयर है, लेकिन
देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, यदि आप एक टीम को स्ट्रॉन्ग मान के चल रहे हो कि भाई इस टीम को स्ट्रॉन्ग करे हो, तो उनके जो लो सिलेक्शन प्लेयर है ना, उनको ड्रॉप मत करो। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो। जैसे आपने देखा होगा, फाइनल देखा होगा, चलो फाइनल तो एशिया कप का फाइनल तो अनप्रडिक्टेबल हो गया था, 50 रन बनाए थे, लेकिन ये कल का मुकाबला है, इसके बारे में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ दोस्तों, कि आपको इंग्लैंड के 7 में से यहाँ पे सिर्फ मात्र 5 प्लेयर पिक करने, ओनली फॉर 5 प्लेयर यू हैव टू पिक फ्रॉम दिस 7 प्लेयर, मतलब 7 प्लेयर में से 5 प्लेयर ही आपको पिक करना है, और आयरलैंड के जो 4 प्लेयर है ना, 4 में से आपको 2 पिक करना है, तो 5+2 मतलब कि आपको 7 प्लेयर यहाँ से पिक करना है, और कितने पिक करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। और देखो, क्रोली है जो कि शानदार बल्लेबाज है, जो कि दोनों इनिंग में अच्छा करता है, फिलिप साल्ट को जनता पिक कर रही है, मैं तो कह रहा हूँ आप ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो फिलिप साल्ट ना, मतलब कि 8 ODI मैच खेलेगा ना, तब एक बार कैप्टन बनेगा दोस्तों, इसका रिकॉर्ड कहता है, 8 टाइम यदि ODI मैच खेलता है तो फिर वो जाके कैप्टन बनेगा। एज ए प्लेयर पिक करो, कोई इशू नहीं है, ड्रॉप भी करो, मैं ऐसा नहीं करा कि आपको हर टीम में फिलिप साल्ट को पिक करना है, लेकिन बी डकेट, क्रोली और फिलिप साल्ट, इन तीनों में से दो को ही पिक करना है, तीनों को साथ में आपको पिक नहीं करना है। और जो बेन डकेट है, ये आपके बैटिंग फर्स्ट में बहुत शानदार बैटिंग करते हैं, चेसिंग में अच्छा करते हैं, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में स्लाइटली बेटर पिक बनेंगे। और बेन डकेट आपको पता है पुराने प्लेयर है, मतलब कि पहले भी खेल चुके हैं, तो बेन डकेट को आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में से 3 में से आपको 2 को पिक करना है, ठीक है। कर्टिस कैंपर, देखो यदि कर्टिस कैंपर पहले बैटिंग करते हैं तभी ट्राई करना, अन्यथा इनको ड्रॉप कर देना। क्रेग ओवर्टन ओनली 4 पावर प्ले बॉलर है दोस्तों, शानदार बॉलर है क्रेग ओवर्टन, ये ऑलराउंडर तो कम ही है ना, इनके भाई है जेमी ओवर्टन, वो एक प्रोफेशनल ऑलराउंडर है, लेकिन ये भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इतने खासे अच्छी खासी बैटिंग नहीं कर सकते हैं। और विल जेक्स अच्छे खासे स्पिनर भी हैं, पार्ट टाइम स्पिन कराते हैं और विकेट भी निकालते हैं इंग्लैंड के लिए, आपने देखा होगा, मतलब ये जितने भी T20 ब्लास्ट खेलते हैं या फिर T20 लीग खेलते हैं, तो इनको बॉलिंग मिलती है और विकेट भी निकालते हैं दोस्तों, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है, ये फॉर्मेट डिफरेंट है, बस बात फर्क है, बात वही है। और यहाँ पे देखो बॉलिंग साइड से बात करें ना, बी कर्स से है, देखो बी कर्स की जगह यहाँ पे मैथ्यू पोट्स को मौका मिल सकता है, फिर जेस क्रिमसो को मौका मिल सकता है ना, और लूक वुड तो कन्फर्म है खेलेंगे खेलेंगे, और जोशुआ लिटिल है, मार्क अडेयर है, देखो लिटिल पहले बॉलिंग करते हैं जब ज़्यादा ट्राई करना है, अडेयर को दोनों इनिंग में आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ये जो आपके सामने बता रहे हो, ये लो सिलेक्शन है। अब देखो इसके अंदर 4 प्लेयर है इंग्लैंड के, चारों को आपको पिक करना है, चारों ड्रीम टीम के अंदर आएंगे, यहाँ पे देखो 4 में से 3 तो कन्फर्म है। अब मेरे को डाउट कहाँ पे आ रहा है, मेरे को डाउट आ रहा है रियान अहमद और मैथ्यू पोट्स में। अब ऐसा भी हो सकता है इन दोनों को ना खिला के टॉम हटले और जे स्क्रिमसो को मौका दे दे, जिसको भी मौका मिले उन दोनों में से एक को ट्राई करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इन 4 में से 3 तो कन्फर्म है कि आपको पिक करना ही करना है, और या फिर आप चारों को पिक कर लो तो बेटर पिक है, ठीक है। और आयरलैंड की तरफ से बात करें तो यहाँ पे सबसे बैटिंग साइड से बात करें, ट्रैक्टर सबसे अच्छी पिक है, ट्रैक्टर के बाद में आपके पास में डोक्रियल है, डिनाली को आप इग्नोर कर दो, डोक्रियल, ट्रैक्टर, और यहाँ पे आपके बी मकार्थी। अब देखो यहाँ पे सी यंग भी खेल सकते हैं या फिर ए मकार्थी जो कि ऑलराउंडर है वो भी खेल सकते हैं, अब इनके पास में चॉइस है, जो भी खिलाना चाहे तो वो तो आपको आफ्टर लाइनअप पता ही चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। मेरी भी आपसे बात करूँ ना, तो इनमें से आपको किस किस को पिक करना चाहिए, देखो सेम हैन और जो रूट, अब देखो सेम हैन का क्रेडिट चेक करो, 6.5 का है। देखो पहले भी जो मैं हैरी ब्रुक की बहुत बात करता था कि भाई हैरी ब्रुक आने वाले समय में इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत अच्छी खासा प्लेयर बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। और सेम हैन भी एक ऐसा ही प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है दोस्तों, सेम हैन को जरूर मौका देना, 3 ODI मैच है, तीनों में आप कैप्टन जरूर बनाना सेम हैन को। देखो जो रूट को तो मैं तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड हर टीम हर 4 मैच बना रहा था, लेकिन चारों के चारों मैच के अंदर ये फ्लॉप हो गए थे, लेकिन अगेन ट्राई करूंगा, उसका रीज़न क्या दोस्तों, क्योंकि ये वर्ल्ड कप भी खेलेंगे दोस्तों, कन्फर्म है, तो इसको रूट को बेक करते जाओ, अब जब तक वो कैप्टन ना बन जाए जब तक आपको रूट को कैप्टन बनाना ही बनाना दोस्तों, ठीक है। तो ये थी हाई सिलेक्शन लो सिलेक्शन, कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पे जो रूट, क्रोली, ट्रैक्टर, क्रेग ओवर्टन, देखो रियान अहमद ऑप्शनल है, आपकी भी आपसे पिक करो कर लो, और यहाँ पे लो कूड मार्क अडेयर है दोस्तों, सबसे बेस्ट 6 अडेयर, रियान अहमद को आप इग्नोर भी कर सकते हो दोस्तों। वीसी की बात करें तो कर्टिस कैंपर है, विल जेक्स है, बी डकेट है और फ्लिप साल्ट है दोस्तों, ठीक है। ये अपने CVC की बात हो गई। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि आपको कितने क्रेडिट की आपको टीम बननी है, तो आपको 86 से 87 के बीच में ही टीम बनेगी, यदि जो प्लेयर मैंने आपको प्लेइंग 11 के लिए बताए हैं उसके अंदर कोई बदलाव ना होता है, तो यदि बदलाव होता है और क्रेडिट में को लग रहा है कि अप डाउन होने वाला है, तो आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट में कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। कॉम्बिनेशन अपन एक ट्राई करेंगे 1-4-3-3, तो हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और टीम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया, मैं मैच को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव भी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो जो प्लेयर मेरे को लग रहा है मैं उन्हीं को पिक कर रहा हूँ जो कल के मुकाबले खेलेंगे,
स्टर्लिंग रूट टकर बेंडकट सेम है, कटिस कैम्बर डेनाले विलियंग और यहाँ पे रिया नेमत दोस्तों, ठीक है। रिया नेमत को मौका मिलता है तो जरूर ट्राई करना, अच्छा बॉलर है, बहुत ही शानदार बॉलर है। आदिल राशिद का प्रॉपर रिप्लेसमेंट की बात करें लेग ब्रेक के लिए, आने वाले समय में यदि इंग्लैंड किसी लेग ब्रेक पे फोकस कर रही है तो इनके पास में सबसे बेस्ट पिक है रिया नेमत, और दूसरी पिक है मेसन क्रेन। देखो मेसन क्रेन तो आने वाले समय में मौका मिलेगा, लेकिन रिया नेमत 8% टाइम अच्छी पिक है दोस्तों, ठीक है। लिटिल है, कर्से है, अडे लुकवुड, यहाँ पे सी एंग बी मकार्थी, यहाँ पे देखो मैथ्यू पोट्स भी खेल सकते हैं और आपके स्क्रीम शो भी खेल सकते हैं। देखो मैथ्यू पोट्स थोड़ा बेटर पिक है और स्क्रीम शो है ना आपके स्क्रीम शो क्या अभी इनको इन्होंने ना मतलब ODD मैच कम ही खेले हैं दोस्तों, बस फर्क इतना है मैथ्यू पोट्स इन थोड़े ODD मैच ज़्यादा खेल रहे हैं, तो उसके भी आपसे मैंने कहा कि आप अभी मैं 8% टाइम मैथ्यू पोट्स को पिक कर रहा हूँ प्लेइंग 11 के अंदर। आप चाहे तो आप देखो वो तो आफ्टर लाइनअप आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और यदि इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती है तो पेसर को जरूर रहेगा ना इंग्लैंड के। देखो लुकवुड को सभी पिक करेंगे, लेकिन क्रेग वार्डन को पिक करना, इन दो के साथ में रिया नेमत को रोटेशन में डालना और किसी टीम में रिया नेमत को ड्रॉप करके यहाँ पे मैथ्यू पोट्स स्क्रीन शो इनको पिक कर लेना, अच्छी पिक बनेगी। बी कार्ड से को इग्नोर कर दो, मतलब बी कार्ड से इतनी अच्छी खासी बॉलिंग नहीं कराते, इनसे अच्छी पिक है मैथ्यू पोट्स और स्क्रीन शो दोस्तों, ठीक है। फिक्स प्लेयर की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, मैंने बताया कि यदि किसी टीम को आप फेवर कर रहे हो तो वहीं से आपको फिक्स प्लेयर करना है, अन्यथा इग्नोर करना है, क्योंकि देखो यदि आप किसी प्लेयर को फिक्स करते हो ना तो वो प्लेयर चलना भी जरूरी है दोस्तों, अन्यथा आपकी सारी टीम वेस्ट हो जाएगी। कैप्टनसी की बात करें तो अपने कैप्टन कौन कौन थे, जो रूट, जे क्रोली, यहाँ पे ट्रैक्टर कहाँ पे हैरी ट्रैक्टर, हैरी ट्रैक्टर और यहाँ पे क्रेग ओवरटन। देखो रियान अहमद को मैंने पिक किया तो रिमान अहमद को ट्राई, और यहाँ से आपके मार्क अडेयर है और लुकवुड है दोस्तों, ठीक है। लुकवुड को जनता पिक कर रही है, लेकिन अडेयर को भी आपको ट्राई करना है कैप्टनसी की। देखो अडेयर बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी शानदार करते हैं दोस्तों, ठीक है। आयरलैंड की तरफ से सबसे बेस्ट पिक की बात करेंगे एट द एंड वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। वीसी बात करें फिलिप साल्ट है, बेन डकट कहाँ पे आपके बेन डकट है, सेम है ना, इनको भी ट्राई करो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आप कर्टिस कैंपर को ट्राई करो और आपके क्रेग ओवर्ट इनको तो पिक कर ले, विल जेक्स पे गए थे ना, विल जेक्स अपने विश रहेंगे। यहाँ पे मैं इंग्लैंड को फोकस कर दूँ, इंग्लैंड के 6 प्लेयर 5 प्लेयर मैं आयरलैंड को ट्राई करूँगा। परसेंटेज सेक्शन की मैंने बात की थी तो आपको 7 प्लेयर और 7-4 का रेशियो पिक करना है, और यहाँ पे आपको 86 से 87 आपको टीम बनानी है, 86 से 87 दोस्तों, ठीक है। 1-4-3-3 आपको एक कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है, नंबर ऑफ टीम यहाँ पे अपन 11 टीम जनरेट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे सारे टीम बन चुकी है, अब हम बात होते हैं अपन सिंगल CVC की, और आने वाले समय में आप आयरलैंड के कौन से प्लेयर पर फोकस कर सकते हो और इंग्लैंड में इनमें से किन प्लेयर को वर्ल्ड कप में खेलने वाले उन पर आपको फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। तो इंग्लैंड में सबसे पहले चॉइस आपके जो रूट है, फिलहाल वही है और कोई भी प्लेयर नहीं है जो कि आपकी ODI वर्ल्ड कप में खेलने वाले दोस्तों। बात करते हैं आयरलैंड की तरफ से, तो देखो बैटिंग साइड से बात करूँगा तो आपके पास है सबसे बेटर पिकर, सबसे शानदार पिकर है हैरी ट्रैक्टर। हालांकि इनकी रिसेंट फॉर्म ख़राब है, लेकिन ये बल्लेबाज यदि फॉर्म में आ गया ना तो एक कंसिस्टेंटली अच्छा खासा स्कोर करने वाला है। दूसरी पास है इनके पास है लोटन टक्कर, ठीक है। बैटिंग साइड से ये दो अच्छी पिक है, और बॉलिंग साइड से बात करूँ तो मार्क अडेयर और जोशुआ लिटल है। तो इन 4 प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आपको CVC रोटेशन में डालना है, और बची हुई टीम में आपको इंग्लैंड को CVC ट्राई करना दोस्तों, ठीक है। और इंग्लैंड की बात करें तो देखो इंग्लैंड में यदि इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती है तो वहाँ पे आप लुकवुड को देखो सभी जनता ट्राई करेगी, तो आप लुकवुड की जगह है ना क्रेग ओवरटन और वहाँ पे आप मैथ्यू पोट्स स्क्रीम्स और जो भी खेले उनको कैप्टन कर देना। VC आप जो रूट को रख लेना और क्रोली को रख लेना दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया इंग्लैंड की तरफ से दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।